नमस्कार, निर्मल स्मार्ट किचन में आपका स्वागत है। आज मैं अमेजिंग से किचन टिप्स और रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आपका काम तो आसान करते ही हैं और टाइम भी बचाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरी पहली टिप ब्रेड को लेकर है। कई बार हम ब्रेड लाते हैं तो पूरा पैकेट यूज नहीं हो पाता, ब्रेड बच जाती है और ब्रेड के पैकेट की सबसे ऊपर वाली स्लाइस सूख जाती है। आपकी ब्रेड सूखे ना, इसके लिए ब्रेड के ऊपर वाली स्लाइस को एक पेपर नैपकिन से ब्रेड को चारों तरफ से कवर कर दे। देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही करना है, और ऊपर से ब्रेड को रबर बैंड या क्लिप से सिक्योर कर लें। ऐसा करने से आपकी ब्रेड सूखेगी नहीं और लंबे समय तक तरोताजा बनी रहेगी। मेरी दूसरी टिप मिक्सी जार को लेकर है। कई बार मिक्सी जार लंबे समय तक यूज करने के बाद उसके ब्लेड अच्छी तरह काम नहीं कर पाते। ब्लेड को शार्प करने के लिए इसमें खाने वाला नमक डाल देते हैं और मिक्सी जार को कुछ सेकंड के लिए चला लेते हैं। मिक्सी जार में नमक डालकर पीसने से ब्लेड शार्प हो जाएंगे। ये ट्रिक आप महीने में एक बार जरूर अप्लाई करें। ट्रिक पसंद आए तो लाइक का बटन क्लिक करें। थर्ड टिप मेरी कैंची यानी सीजर से रिलेटेड है। कई बार ज़्यादा यूज करने के बाद सीजर काम नहीं करती है। इसको शार्प करने के लिए एक एल्यूमिनियम फॉइल का पीस लें, उसको दो तीन तह में फोल्ड कर लें और कैंची से एल्यूमिनियम फॉइल को काटें। फॉइल को काटते रहें। अब फॉइल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। ऐसा करने से सीजर शार्प हो जाएगी। इसका एहसास आपको कैंची चलाते हुए हो जाएगा कि सीजर शार्प हो गई है। फोर्थ टिप में मैं आपको खीरा यानी कोकुम्बर पर कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं जो देखने में सुंदर लगे, इसके लिए खीरे को पिलर से छीलते हैं। ये देखिए, ऐसा पिलर तो हर घर में होता ही है। अब पिलर को नीचे से ऊपर की तरफ उल्टा चलाते हैं और धीरे धीरे खीरे को घुमाते रहें। देखिए, खीरे पर लाइनिंग वाला डिज़ाइन आ गया है। अब इसे काटते हैं। काटने के बाद खीरे पर डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। किनारों पर कटवर्क का डिज़ाइन आ गया है। ये ट्रिक आप मूली और गाजर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरी पांचवी टिप नींबू यानी लेमन को लेकर है। कई बार नींबू पर ब्राउन धब्बे पड़ जाते हैं और सूख भी जाते हैं। नींबू को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए क्या करें, इसके लिए एक बॉक्स लें, उसमें एक पेपर नैपकिन रखें और उसके ऊपर नींबू रख दें। ऊपर से पेपर नैपकिन से नींबू को कवर कर दें और बॉक्स पर ढक्कन लगाकर आप फ्रिज में 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसा करने से नींबू खराब नहीं होंगे। केला बहुत जल्दी खराब हो जाता है। केला जल्दी खराब ना हो, इसके लिए क्या करें, इसके लिए एक एल्युमिनियम फॉइल की शीट लें और केले के ऊपरी स्टेम को फॉइल पेपर से कवर कर दें। अगर आपके पास केले का बंच है तो आप बंच को फॉइल पेपर से कवर कर दें, इससे इसमें हवा पास नहीं होगी। ऐसे ही हम सिंगल केले को भी फॉइल से कवर कर लेते हैं। आप जहां भी केला रखें उसे ऐसे नहीं रखना है, हमेशा इसे ऊपर की तरफ उठा कर रखना है। आपने देखा ही होगा, मार्केट में भी फ्रूट सेलर ऐसे ही रखते हैं, इससे केला जल्दी ख़राब नहीं होता है। मेरी सातवीं टिप आलू से रिलेटेड है। कई बार जब हम आलू उबालते हैं तो वे स्टिकी यानी चिपचिपे हो जाते हैं। इसके लिए जब भी आप आलू को बॉईल करें उसमें पानी थोड़ा ही डालें। हमें पानी इतना ही डालना है कि आलू बॉईल करते समय उसमें स्टीम बन जाए। दो तीन विसल में आलू बॉईल हो जाएंगे। अगर आप इस ट्रिक से आलू बॉईल करेंगे तो मैं गारंटी से कहती हूँ, आपके आलू कभी स्टिकी नहीं होंगे। जब भी आप रोटी बेलें तो आप चकले के नीचे किचन टॉवल या न्यूज़पेपर बिछा लें। ऐसा करने से किचन काउंटर कभी गंदा नहीं होगा। मैं कई सालों से ये ट्रिक यूज़ कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी बटर स्कॉच कैरमेल बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही कम समय में बन जाती है। इसके लिए एक नॉनस्टिक पैन लें, में हाफ कप चीनी डालें। चीनी को हमें मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुए मेल्ट करना है। चीनी कैरमलाइज हो गई है। अब हम जल्दी से इसमें एक चम्मच बटर डाल देते हैं, नहीं तो चीनी जल जाएगी। बटर जब मेल्ट हो जाए तो इसमें बारीक कटे हुए काजू डाल दें। आप काजू के जगह बादाम भी डाल सकते हैं और इसको अच्छी तरह मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद गैस बंद कर दें। अब एक स्टील की प्लेट को बटर या घी से ग्रीस कर लेते हैं। कैरमेल बटर स्कॉच बनाने के लिए हमेशा स्टील की प्लेट लें, कांच या प्लास्टिक की प्लेट ना लें, क्योंकि चीनी बहुत गर्म होती है। अब इसमें
कैरेमल प्लेट में डाल दें और अच्छी तरह सेट होने के लिए रख दें। 10-15 मिनट में ही ये सेट हो जाता है। अब प्लेट को हाथों में लेकर नीचे से प्लेट को दबाएं, कैरेमल आसानी से उतर जाता है। अब इसके टुकड़े कर लेते हैं। इन टुकड़ों को ट्रांसपेरेंट बैग में डालकर बेलन से तोड़ लेते हैं। हमें इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है। देखिए, बटर स्कॉच कैरेमल बनकर तैयार है। जल्द ही मैं आपके साथ बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूँगी। भिंडी लेसदार होती है। जब भी आप भिंडी को काटें तो नाइफ पर नींबू को रगड़ लें, जिससे भिंडी चिपचिपी नहीं लगेगी और भिंडी आराम से कट जाएगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई किचन टिप्स हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। बाय बाय।